राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब। आपने पालक बहुत ही तरह से खाए होंगे, पालक की बहुत सारी रेसिपी आपने ट्राई की होंगी, लेकिन आज की रेसिपी जो है बहुत ही अलग है और बहुत ही टेस्टी बनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने ताजे जो है ना पालक के पत्ते लिए हैं, थोड़े बड़े साइज़ के हैं ये, और इसे हम रख देंगे। और एक पत्ते पे हम क्या करेंगे ना, जैसे आप आलू के पराठा के लिए आलू जो तैयार करते हैं ना, उसी तरह का यहाँ पे आलू आपको तैयार करना है। और एक पत्ते के ऊपर आलू के पेस्ट को डाल देना है, फिर ऊपर से एक और पत्ता इस पे रख के चिपका देना है इधर। इसी तरह हम क्या करेंगे ना, दो चार पत्ते में करके एक साथ कर लेते हैं ना, तो बनाने में आपको बहुत ही आसानी होगी। तो यहाँ पे मैंने एक एक करके मैंने सारे पत्ते को ऐसे मसाले के साथ चिपका चिपका के मैंने अच्छे से इसे थोड़ा किनारे से अगर निकला हो तो उसे अंदर की तरफ दबा दबा के इसे आप अच्छे से ना बड़े बड़े पत्ते को ऊपर नीचे करके बीच में आलू का जो है ना मसाला डाल के आप एक तरफ इसे रख दें। अब हम इधर आते हैं ना, बेसन का हम थोड़ा सा घोल बनाते लेते हैं। तो इसके लिए हम एक बर्तन लेंगे, उसमें डालेंगे 3 चम्मच बेसन, और यहाँ पे 1.5 चम्मच मैंने चावल का आटा लिया है, साथ में मसाले हैं 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, नमक, थोड़ा सा जीरा पाउडर यहाँ मैं डाल रही हूँ। और इसके बाद हम इसमें ढेर सारा पानी डाल देंगे, ढेर सारा नहीं, जो जितना आपको घोल चाहिए उतना ही पानी आपको डालना है पहले। तो यहाँ पे पहले थोड़ा पानी डालेंगे, फिर इसे घोलेंगे, फिर हम पानी डाल के थोड़ा सा आप देख लेंगे, यहाँ पे ज़्यादा पतला घोल नहीं चाहिए। और चावल का आटा है तो जैसे जैसे ये रेस्ट करेगा थोड़ा सा थीक होते जाएगा, तो आप देख ले थोड़ा सा पतला ही बना के रखें, ताकि जब आप बनाएंगे तो उस समय एकदम परफेक्ट रहेगा आपका घोल। इसके बाद हम क्या करेंगे ना, इधर एक कढ़ाही ले लेंगे, कढ़ाही को गर्म करेंगे, तेल डालेंगे उसमें, सरसों तेल मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद तेल जब गर्म हो जाए तो हम एक एक पत्ते को लेके बेसन के घोल में लपेट के हम इसे अब क्या करेंगे, अच्छे से बेसन में लपेट के और गर्म गर्म तेल में हम यहाँ पे ना पालक के जो है पकौड़े वो हम डाल देंगे। यहाँ पे मैंने 2 पकौड़े डाले, फिर तीसरा भी डाल दी। इसके बाद हम थोड़ी देर के बाद इसे उलट पुलट के ना हम इसे अच्छा सा कुरकुरा है ना पकौड़ा, जैसे हम तलते हैं नॉर्मली वैसे ही इसे हम तल लेंगे। ये बहुत ही टेस्टी लगता है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे मेरे पकौड़े जो हैं अच्छे से कलर में आ गए थे, एकदम यम्मी लग रहे थे, बहुत ही टेस्टी। आप इसे शाम के चाय के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगेगी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इतनी क्रंची बनी थी, आप विश्वास नहीं करेंगे, बहुत ही क्रंची बनी थी। तो यहाँ पे मेरे पालक के पकौड़े जो हैं वो बनके तैयार हैं। तो यहाँ पे मैं प्लेट लगा रही हूँ, मैं निकाल रही हूँ चावल थोड़ा सा, और चावल निकालने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा हम सैलड रखेंगे, जिसमें नॉर्मल खीरा है और 2 प्याज हैं, और इसके ऊपर हम थोड़ा सा चाट मसाला डाल देंगे। इसके बाद यही पालक के पकौड़े हमने जो बनाए थे बहुत टेस्टी वाले वो हैं। इसके बाद आलू की भुजिया जो मेरे किचन में रोज़ बनती है, वही आलू की भुजिया है थोड़ी सी। और आलू की भुजिया बहुत ही सिंपल है, लेकिन हम बिहारियों के लिए बहुत ही टेस्टी चीज़ होती है। इसके बाद दाल है 1 कटोरी, और इसके बाद मेरी थाली कंप्लीट हो गई। तो चलिए, कैसी लगी आज की रेसिपी आप लोग को और मेरी थाली, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।